बैंक की सीरीज है और यहाँ पर हम तेजी से प्रश्नों को पढ़ेंगे और आज के टॉप 30 प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यह प्रश्न अगर आप देखेंगे तो अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि 30 में से अगर आपने 15 सही कर लिए इसका मतलब आपकी तैयारी बेहतर है और आप सिलेक्शन की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा शायद आप सभी को, तो जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह लाइन कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है। जी हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा। यह वीडियो निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में आप सभी के लिए उपलब्ध है। आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे रेड क्लिफ रेखा, यह भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है, मतलब ये सही है। फिर मैकमोहन भारत और अगर देखा जाए तो यह रेखा किसकी है, भारत और चीन के बीच खींची गई है, ठीक है। अब आता है सर्किक लाइन। सर्किक अगर देखा जाए तो सर्किक अगर आपने पढ़ा होगा इसके पहले जानते होंगे तो सर्किक है ये गुजरात, ठीक है। और यहाँ पर जो डुरंड रेखा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये डुरंड रेखा, आइए जानते हैं इसकी कहानी थोड़ी सी क्या है। 1896 में भारत, मतलब ऐसे समझिएगा इंडिया और अफगानिस्तान के बीच रेखा खींची गई थी, ठीक है। यह रेखा का नाम क्या था, डुरंड था। लेकिन आगे चलकर होता क्या है कि ये कब हुआ था, 1896 में इसका निर्धारण किया गया था। लेकिन आगे चलकर हमने और आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर 1947 को यहाँ पर पाक आ गया, पाक मतलब पाकिस्तान। अब ये जो रेखा थी ये ड्यूरंड रेखा, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो गई। भारत की सीमा को लगभग अगर देखा जाए तो केवल किसी किताब में 80 किलोमीटर मिल जाएगा, किसी किताब में मिल जाएगा आपको 105 किलोमीटर लंबी, 106 किलोमीटर लंबी रेखा को स्पर्श करती है ये, जो कि ना के बराबर है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प अगर देखा जाए तो आपका डी राइट आंसर होगा। तो डुरंड रेखा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएं कि आपको तथ्य समझ में आ गए हैं प्रश्न की तरफ। लेकिन आप इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को जल्दी शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। जी हाँ, आइए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी राज्य यहाँ पर दिए गए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से दे देंगे। देखिए कुल 28 राज्य, ध्यान दीजिएगा कुल 28 राज्य हैं, ठीक है, और समुद्र सीमा को स्पर्श करती हैं कितने, नौ राज्य स्पर्श करते हैं समुद्र को, ठीक है, और 19 राज्य स्पर्श नहीं करते। यह बात याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 28 राज्य स्पर्श करते हैं और 19 राज्य स्पर्श नहीं करते। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, गुजरात की सीमा लगती है, जैसे यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं ये हमारा भारत है, सपोज दैट ये हमारा, एक मिनट रुकिएगा, हम लोग प्रयास करते हैं कि ये हमारा भारत है, ठीक है, यहाँ पे हमारा गुजरात है, फिर नीचे महाराष्ट्र है, गोवा है, फिर आपका यहाँ पे कर्नाटक है, केरला है। तो गुजरात सीमा है गोवा की, महाराष्ट्र की, इनकी जो सीमा है ये अरब सागर को लगती है, किसको, अरब सागर, किसे स्पर्श करती है, अरब सागर को स्पर्श करती है। जब अरब सागर को यहाँ पे स्पर्श करेगी, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, राजस्थान की कोई समुद्र सीमा नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा, सी इसका सही जवाब होगा। कितने लोग को यह प्रश्न समझ में आ गया, और ये पश्चिमी घाट के 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र सीमा को स्पर्श करती है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्राय दिवस से ऐसे प्रश्न आते हैं। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर दें। यार वीडियो को शेयर करिए, पैसे नहीं लगते आप सबके। जी हाँ, देखिए यहाँ पर अगर इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखें तो आप लोग जल्दी से बताइएगा, UNO, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ।
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किसके, महात्मा गांधी, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिवस है, तो महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर ठीक विश्व अहिंसा दिवस घोषित किया गया। अर्थात इस प्रश्न का सही जो विकल्प है वो ए है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उनके जवाब सही हैं, आप पूरी तरह से गलत है। क्या आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? हम अगले प्रश्न की तरफ चलिए। ठीक है, अगला है आपके सामने, ये पर्यावरण का प्रश्न है पूरा। ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर अगर आपको सरकारी नौकरी करनी तो इसके लिए ये रामबाण है। संदूषित क्षेत्र में सूक्ष्म जीवाणुओं के उपयोग से प्रदूषकों को निकालना अथवा उदासीन करने को अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी में क्या कहा जाता है? यहाँ पर जल्दी कमेंट करके बताइए, जितने वीडियो को लाइक दे फटाफट कमेंट करिएगा। फटाफट कमेंट करके बताइए, जल्दी फटाफट कमेंट करिए आप लोग। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा कि सदूषित क्षेत्र में सूक्ष्म जीवाणुओं को उपयोग से प्रदूषकों को निकालना था उदासीन करने को अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी में क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा जैव उपचार या बायो रिमेडिएशन, मतलब शीर्ष प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। ठीक है, बायो रिमेडिएशन मतलब अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र द्वारा सूक्ष्म जीवों की सहायता से किसी प्रदूषित क्षेत्र के प्रदूषक को उदासीन अथवा हटा देने की प्रक्रिया जैव उपचार या बायो रिमेडिएशन कहलाती है। इसे हम जैव उपचार कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न का उत्तर सी है। ठीक है, संदूषित क्षेत्र सूक्ष्म जीवाणुओं के उपयोग से प्रदूषकों को निकालना, संदूषित माने जहां पे प्रदूषण ज्यादा फैल चुका हो, ऐसे समझ लीजिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, माने प्रदूषण सहित अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। देखिए जैसे हम यहाँ पे अगर ये दक्षिण भारत जो तो आप समझ रहे होंगे, तो यहाँ पर देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर सबसे उत्तर में अगर देखा जाए अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, ये 10 डिग्री चलन से एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। जी हाँ, 732 मीटर है। यह उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे उत्तर में है, सबसे उत्तर में जो यही दिख रहा है ना, एक तरह इसी को मान लेते हैं हम लोग कि यहीं पर उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, क्लियर हुआ सबका? किसी के मन में कोई सवाल कोई प्रश्न हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, जीवमंडल में सभी जीवित जातियों के रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं, इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा बार बार पूछा जा चुका है। जीवित जातियों को रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं, ये जीव क्या कहलाते हैं? जल्दी कमेंट करिएगा फटाफट, जल्दी जल्दी, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। जल्दी जल्दी शेयर करिएगा, ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर दोनों पर आपके लिए निःशुल्क लाइव उपलब्ध है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी। देखिए आइए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं सभी साथी, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पर एक प्रश्न आपका है, सभी लोगों ने एकदम सही बताया, परितंत्र इज राइट आंसर, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब यहाँ पर दिए गए प्रश्न का विकल्प है वो आपका इकोसिस्टम है। यहाँ पर एक दूसरे को परस्पर संबंधित हैं, ठीक। अगला आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमने पढ़ाया है, अगर लगातार आप हमारे क्लास को ले रहे होंगे इन लर्निंग विद दुर्गेश पर, तो शायद आपको इस बारे में माना ये हमारा भारत है।
ठीक है, माना ये हमारा भारत है। इस भारत में अगर हम देखें, बात करें, तो सह्याद्री पर्वतमाला का ये बार बार पूछा जाता है आपके परीक्षा में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास करें, ठीक है, तो एक चीज हमें और आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अगर पूर्वी घाट कहें तो देखिए ये हमारा पूर्वी घाट है, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है। शिवालिक श्रेणी ये है आपकी, और विंध्यन पर्वत श्रेणी यहाँ पे है। तो ये श्रेणियाँ जो है ये मैंने मैप में आपको ड्रा करके दिखा दी। जो सह्याद्री श्रेणी है, देखिए ज़्यादातर लोगों ने इसका जवाब जो दिया है वो पश्चिमी घाट इसका सही जवाब होगा। जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है, देखिए दक्कन के पठार का पश्चिमी किनारा भ्रंशन फॉल्टिंग के कारण सीधा और खड़ी ढाल वाला है, जो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के कई नाम है, सह्याद्री पर्वत है, इसे नीलगिरी भी कहते हैं। याद रखिएगा परीक्षा में अगर पूछ दिया जाए कि नीलगिरी, तो याद रखिएगा यही होता है नीलगिरी। उसके बाद अगर देखा जाए कार्डेमम की पहाड़ियां, इसे ही कहते हैं कार्डेमम की पहाड़ियां, कार्डेमम की पहाड़ियां, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, कार्डेमम की पहाड़ियां के नाम से, ठीक है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है बताइए। जल्दी कमेंट कर बताइएगा कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है, जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए एकदम इंपॉर्टेंट इसके बारे में जान लीजिएगा कि जो प्रोटीन की कमी से आर्थरिडीज, क्वासियोरकर, वाइटर, देखिए ये भी हमने पढ़ाया, अगर आप इलेनिक दुर्गेश पढ़ रहे हो, इलेनिक दुर्गेश की नोट्स अगर आपने पढ़ी होगी तो शायद इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा क्लियर। ठीक, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। क्वासियोरकर क्या होगा? क्वासियोरकर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट, जी हाँ फटाफट आप लोग बताइए, क्वासियोरकर समझ में आ गया? ये प्रोटीन कमी से होता है, इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे मरास्मस रोग भी कहते हैं, लिख लीजिएगा, मरास्मस रोग के नाम से जानते हैं। अत्यधिक कमी से आंतों में जो है ऑस्मोटिक असंतुलन आ जाता है और आहार नली में सूजन की समस्या आ जाती है। इसका पता इंडिमा से किया जाता है, इसका पता कैसे किया जाता है? इंडिमा से किया जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तिस्ता और देहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तिस्ता और देहांग नदी, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अब की बार एक सीट हमार, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए, देखता सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। तिस्ता और देहांग नदियों के बीच आने वाली हिमालय के भाग को हिमालय कहा जाता है। कौन सा हिमालय कहते हैं? नेपाल हिमालय, कश्मीर, असम, तो जम्मू, जम्मू हिमालय कोई हिमालय ही नहीं है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा उसे हम असम हिमालय कहते हैं। तिस्ता देहांग नदी के बीच आने वाले हिमालय को हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं, जी हाँ। अब हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। यार शेयर कर दीजिए वीडियो, पैसे नहीं लगते आपके। अगला प्रश्न आपके सामने है, संसद में शामिल है मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए मैं यहाँ पे एक बात आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जी हाँ, जितने लोग इस वीडियो को लाइक, देख छोटा सा ट्रिक है, सरल सरल, श से होता है संसद, श से होता है संसद, र से हो गया आपका राज्य सभा, ल से हो गया लोक सभा, तो ये है आपका अनुच्छेद 79-80, ये है अनुच्छेद 81, ठीक, ये अनुच्छेद याद हो गया। तो संसद में अगर हम संसद की बात करें तो यहाँ पे संसद के तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अर्थात इस प्रश्न का दिए गए जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। और अगर संसद पूछा जाए किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद क्या है? 79। अनुच्छेद क्या है? 79 है, 79। अगर राज्यसभा पूछा जाए 80, लोकसभा पूछा जाए तो 81। क्लियर हो गया सबको? चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसके तीन अंग हैं, दो सदन है, सदन पूछेगा, देखिए ये सदन है, दो सदन है, सदन दो है, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन इसके अंग जो है तीन, ठीक है। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में संसद
की इमारत को क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रट लीजिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। देखिए भारतीय जी, भारत में जो संसद है उसको क्या कहा जाता है, अभी नया बन भी रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए ये इसकी न्यू किसने रखी थी, अगर हम देखा जाए तो जो न्यू है वो अंग्रेजों ने रखी थी, उसमें कौन कौन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसकी व्याख्या जरूर कर दूंगा। एडवर्ड, देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है यार, एडवर्ड लुटियन व हर्बर्ट बेकर, लिख लीजिए आप सभी साथी, हर्बर्ट बेकर, ठीक है। कब, 1912 और 13 की दशक में। इसे कहते हैं संसद भवन, जी हाँ, इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा ए होगा, संसद भवन इसको कहते हैं, रट लीजिएगा, जान लीजिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला सवाल आपके सामने है, भारत में मूल संविधान कहाँ संरक्षित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, संसद भवन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, डेली क्लास की टाइम यही है, आप लोग सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़े रहे, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। राष्ट्रपति भवन देखिए यहाँ पे नहीं है और प्रधानमंत्री निवास पर नहीं है, ए और सी में जवाब दीजिएगा क्या होगा, ए और सी में इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कैसा प्रश्न बैंक है आप लोग जरूर बताइएगा। संसद भवन सी प्रश्न का राइट आंसर है, जो भारत का मूल संविधान है, टाइप और मुद्रित नहीं है बल्कि प्रेम बिहारी नारायण राज जादा द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है, जी हाँ, किसकी राइटिंग किसकी है, तो यह शायद आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के अलावा कहीं न मिले, नारायण राय जादा द्वारा, देखिए मेरी राइटिंग गड़बड़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, द्वारा हम नहीं लिख पा रहे, देख लीजिए, द्वारा हस्त लिखित है, यहाँ तक जान लीजिएगा, नारायण राय जादा द्वारा हस्त लिखित है सुंदर अक्षर में, यह दस्तावेज संसद भवन के पुस्तकालय में एक विशेष हीलियम से भरे संदूक में रखा है, हीलियम से भरे संदूक में रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा कि संसद जो भारतीय संविधान है उसमें किसकी राइटिंग से लिखा गया है, याद रखिएगा। देखिए सौरभ सर्विस को याद कर रहे हैं, नारायण राय जादा, ठीक है, चलते हैं हम और अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य स्थानीय स्वशासन संस्थानों को निर्वाचित सदस्य को हटाने का प्रावधान किया है, जी हाँ, इसे कहते हैं राइट टू रिकॉल मैंने वापस बुलाना, जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधि से अगर संतुष्ट नहीं है उसे हटा सकती है, प्रत्याहार के अधिकार के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हटा सकती है, यह अधिकार स्थानीय स्वशासन के स्तर पर कहां पर लागू किया गया है, ठीक है। हाँ आइए इसके बारे में जानते हैं, यह केवल एक राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। एक बात हम आपको बताएंगे, जो प्रश्न आपको इन लर्निंग विद दुर्गेश मिलेगा 20 पेज ही होगा, ठीक है, वह क्या है आइए हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, पंचायती राज व्यवस्था कानूनी जामा पहनने के बाद भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लागू हुआ था, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करिएगा, पंचायती राज व्यवस्था कानूनी जामा पहनने के बाद भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चलिए यहां पे उसका भी उत्तर होगा मध्य प्रदेश, जी हाँ, बहुत लोगों को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता होगा, जो इलर्निंग भी दुर्गेश पर पढ़ रहे थे उन्हीं को केवल पता होगा क्योंकि मैंने इसके बारे में बताया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि जब 1992 और 93 में संवैधानिक जामा पहनता है उसके बाद
पहला राज्य है यमपी, पहला राज्य है यमपी क्योंकि संवैधानिक रूप से 73वें संविधान संशोधन 1992-1993 में मिला था। इसलिए जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह मध्य प्रदेश होगा। रट लीजिए, परीक्षा में गलती मत करिएगा, यहाँ जितनी भी गलती कर सकते हैं करिएगा, परीक्षा में गलती मत करिएगा। पहले कहाँ पर हुआ था, तो वह राजस्थान के नागौर में हुआ था, लेकिन यह 1959 में हुआ था, तब यह कानूनी जामा नहीं पहना हुआ था। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, हम चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। भैया ध्यान समझिएगा, यहाँ पे पहली बार ट्रायल वर्जन था, ट्रायल वर्जन राजस्थान के नागौर में था। संवैधानिक दर्जा लेने के बाद मध्य प्रदेश है संवैधानिक दर्जा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, संवैधानिक दर्जा ग्रहण करने के बाद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यह प्रश्न को कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो एक नंबर चला जाएगा आपका, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल आपका, जी आपके सामने है कि पर्यावरण की कक्षा में बच्चों के पर्यावरण संबंधित ज्ञान की परख के लिए निम्नलिखित में से क्या करना बेहतर होगा। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करिएगा। जी हाँ, एक कमेंट में आया है कि कौन कौन जौनपुर से है भैया, तो हम भी जौनपुर से हैं। देखिए, घर बैठे नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास आपके लिए चल रही है। देखिए, बच्चों को पर्यावरण पर एक निबंध लिखने के लिए कहना, या जल भूमि हवा इत्यादि उनकी उपयोगिता के बारे में सामान्य प्रश्न पूछना, या पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणाओं के बारे में पूछना। बच्चों को पर्यावरण की समझ नहीं होती, इसलिए उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछना। ये प्रेजेंट ऑफ माइंड का सवाल है यार, शेयर करिए। अगर आप इस क्लास से संतुष्ट हैं तो अपने 10-10 साथियों को बताइएगा, उसके लिंक टेलीग्राम पर उपलब्ध है। देखिए, आप इस प्रश्न का जो उत्तर है कि जल भूमि हवा इत्यादि से उपयोगिता के बारे में बच्चों से सामान्य प्रश्न पूछना। जी हाँ, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि पर्यावरण बालक के भाषाई विकास में किस प्रकार सहायक होते हैं। देखिए, बालक में अंकुरण द्वारा भाषाई विकास होता है, अनुसरण के लिए जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जी हाँ साथियों, फटाफट, जी हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। ध्यान से देखिएगा कि बालक में अंकुरण द्वारा, अनुकरण माने सीखने के द्वारा विकास होता है। जैसे अपने आसपास को सुनता है, बादल, हवा, पानी, धूप, इस चीजों को जब बच्चा सुनता है, और अनुकरण के अनुकरण के लिए विभिन्न क्रियाकलाप और सामग्री उसे पर्यावरण से उपलब्ध कराता है। पर्यावरण की बालक भाषाई विकास में कोई भूमिका नहीं थी, गलत। बालक के भाषाई विकास में केवल उसके परिवार, गलत। बालक अपने आसपास से सीखता होगा, आपने कविता पढ़ी होगी, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांटने में उनकी रस्सी हम चाहे जहां कहीं ले जाते। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, चलते हम एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूएन आरईडीडी प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन को महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन्य पारिस्थितिकियों की समूलता में गरीबी कम करने में। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर यह होगा। अब आपके मन में आएगा, सर इसका यूएन रेड का फुल फॉर्म बताइए, तो यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होगा, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो यह इसका फुल फॉर्म है, इसका पहल जो है, इसकी जो पहल थी वह 2008 में इसकी पहल या इसकी प्रारंभ की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सतत वाहिनी विकास के लिए वनों के कार्बन उत्सर्जन को कम करके वनों में कार्बन की मात्रा को बढ़ाना। आपने देखा पीछे कोरोना काल में कितनी दिक्कत, कितनी समस्याएं हुई थी। ठीक है, तो चलते हैं हम एक और अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा कि पर्यावरण की कक्षा में बच्चों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की परख के लिए निम्नलिखित में से क्या करना बेहतर होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जी हां जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, ध्यान से एकदम बताइए। बच्चों के पर्यावरण पर निबंध लिखने के लिए कहना, जल भूमि इत्यादि, देखिए यहां पे भी ये प्रश्न आ चुका था इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। हम आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे, चलते हैं हम एक और अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण बालक के भाषाई विकास में किस प्रकार सहायक है, ऊपर हमने भी बताया कि जैसे पेड़ चलते हैं, अगर पेड़ भी चलते होते आदि, ये सब जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने और आपने सीखा एक बात, हम लोगों ने जाना कि यहाँ पे बच्चा सुन सुनकर सीखता है, इसलिए इसका ए सही है। अगला, क्योंकि ये सवाल अब देखिए यहाँ पे मिलान करने वाला है, जी हाँ ये भूगोल से संबंधित प्रश्न है, पर्यावरणीय भूगोल से, तो जल्दी से कमेंट करना है। हीराकुंड बांध जो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। मेट्रो जो बांध है वो तमिलनाडु पर है। महानदी जो बांध है वो आपका छत्तीसगढ़, अल्लामट्टी बांध जो है वो कर्नाटक में है। तो ये मैंने मिला दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा समय बर्बाद हो। अब हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, जिसको साफ नहीं दिख रहा है, वीडियो के तीन डॉट बिंदु पर क्लिक कर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, ठीक है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले तथा साथ ही साथ यह वीडियो पूरी तरह से HD में उपलब्ध है आप सभी को। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक संशोधित जीवाणु का प्रकार जो तेल रिसाव के उपचार से संबंधित है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा सभी साथी, जिसको साफ नहीं दिख रहा, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, चाहे इलर्निंग दुर्गेश के ऐप पर, तीन डॉट विंडो पर क्लिक कर लेगा। एग्रोबैक्टीरिया, क्लास्टिरिडियम, नाइट्रोसोमोनाज, स्यूडोमोनाज, क्या होगा इसका? देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा स्यूडोमोनाज, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ देखिए स्यूडोमोनाज जो है ये पुटीडा और थियोबैलिसन जीवाणु जो एलेकेन बी है नामक एंजाइम स्रावित करता है, जो एक हाइड्रोफोबिक पॉकेट बनाकर हाइड्रोकार्बन पदार्थ को आकर्षित करता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी राइट आंसर है। अगला है, नाइट्रिफिकेशन किसके परिवर्तन की एक जैविक प्रक्रिया है? नाइट्रोजन ऑक्साइड से नाइट्रेट, नाइट्रोजन से नाइट्रेट, अमोनिया से नाइट्राइट, अमोनिया से नाइट्रोजन, जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी। यार वीडियो को शेयर करिए, पैसे नहीं लगते हैं आपके, बार बार कह रहे हैं लेकिन आप लोग समझिए, मदद करिए, लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखने वाली बात है, यहां पर अमोनिया से नाइट्राइड, देखिए अगर हम बात करें नाइट्रिफिकेशन, इसे नाइट्रीकरण, एक अमोनियन को नाइट्राइड में परिवर्तित करने की एक जैविक प्रक्रिया है, यह नाइट्रोजन चक्र में एक भाग के रूप में ऑक्सीडेशन प्रक्रिया से होता है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। कोरल रीफ को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने किस एक समुद्री क्षेत्र को मरीन पार्क घोषित कर दिया है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जी हां मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। देखिए कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, अंडमान समूह, बताइए यहां पर होगा कच्छ की खाड़ी, माने इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सभी लोग इस वीडियो को स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रखते चलें। भारतीय, देखिए चलिए मैं आगे बता देता हूं, भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहां पर है? मुंबई, जबलपुर, वाराणसी, लखनऊ, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, कॉमेंट जरूर करिएगा सभी साथी, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी कॉमेंट करिएगा। चलिए देखिए प्रश्न आया है कि मरीन पार्क क्या है, जी हाँ मरीन पार्क क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा आप लोग। मरीन पार्क कोई बताएगा या हम ही बताना पड़ेगा, हम ही को ही बताना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बताइएगा सभी साथी। देखिए अगर देखा जाए दुनिया का सबसे बड़ा जो मरीन पार्क है वो अंटार्कटिका में है,
अब मरीन पार्क होता क्या है, ये कच्छ की खाड़ी में है। कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा वाराणसी। क्या है इसका उत्तर? वाराणसी है। इसका सही जवाब क्या होगा? वाराणसी। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? आपके वाराणसी में। ठीक, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, एकदम सही बताया आप लोगों ने। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? जी हाँ, यूनिक प्रश्न है आप सभी के लिए, बहुत ही यूनिक है। जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए, मार मृदा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आते हैं तो प्रायः आपसे गलती हो जाती है। ठीक है, देखिए, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, एक काली मिट्टी और लाल मिट्टी। कितने को? दो भागों में। काली मिट्टी के भी दो भाग होते हैं, जिसमें पहले भाग को कावड़ मिट्टी, दूसरे भाग को मार मिट्टी कहते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो काली मिट्टी है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग को कहते हैं कावड़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कावड़ मिट्टी। दूसरे वाले जो भाग को मार मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी? मार मिट्टी के नाम से जानते हैं। कावड़ मिट्टी अनाज उत्पादन के लिए अच्छी होती है, समय से खेती करने में इस मिट्टी से अच्छी उपज के जाते हैं। लेकिन मार मिट्टी भी उर्वरक मिट्टी है, यह गेहूं कपास के लिए उपयुक्त होती है, इसका भी समय प्रबंधन पैदावार के लिए आवश्यक होता है। मार मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। ठीक, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, उत्तर प्रदेश स्पेशल से सवाल है। जल्दी कमेंट करिएगा यार, सभी साथी देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका सबसे सही आता है। कनाल, मारला, बीघा, धोत, किसका प्रयोग करते हैं? बीघा। कहते भैया तुरे कितना बीघा जमीन बा, कितना बीघा बा, कोई कनाल शब्द नहीं करता, मारला धूर का नहीं करता। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है सी, राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, कुछ कूट दिए गए हैं। निम्नलिखित में से नदियों में से किसके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये नकारात्मक प्रश्न है। देखिए, गोमती नदी का उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है, दूसरा बेतवा नहीं, रामगंगा शारदा, इन दोनों का उद्गम हिमालय में है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर तीसरा होगा। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से निकलती है और गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थान पर गंगा मिल जाती है। वहीं अगर हम बेतवा नदी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। रामगंगा और शारदा ये हिमालय से, इनका उद्गम हिमालय है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? नकारात्मक प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करिएगा। टेलीग्राम पे आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाइएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। जल्दी कमेंट करिएगा यार, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट, जिप्सम। जी हाँ, इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वो क्या होगा? देखिए, चूना पत्थर यहाँ पे मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, जिप्सम मिलता है, अभ्रक भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता। ठीक है, या थोड़ी बहुत मात्रा में मिलता है, अन्य भी थोड़े बहुत मात्रा में ही मिलते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा यार? बी आप विकल्प सही करेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल क्या है? ये यूपी स्पेशल आपके पाठ्यक्रम में है, आपके सिलेबस में है, आप लोगों को पता होगा, जल्दी कमेंट करिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल, एकदम आसान प्रश्न है यार, जल्दी जवाब दीजिए भैया, इसे सरकारी नौकरी करेंगे आप लोग, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। यार संख्या बढ़ाइए, 10-10 लोग को बताइए अगर क्लास बेहतर लगी तो। जी हाँ, गन्ना इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है, गन्ना सही जवाब है। अगला, यहां पे निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है, जल्दी से बात दीजिएगा। देखिए, अमीर खुसरो का संबंध एटा से सही, मिर्जा गालिब का संबंध
आगरा से है, जोश मलिहाबाद, रामप्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। तो यहाँ पर आपको कूट का चयन करना है, ठीक। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। अरे भैया ये बताइए, यहाँ पर नहीं पूछा है। तो रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद नहीं हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? शाहजहांपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये? शाहजहांपुर में हुआ था। अगर हम बात करें जोश का, अगर हम जोश की बात करें तो क्या होगा? बताइए, अब आगे बताइए। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से अभी देखिए, आप लोग तुरंत बता गए, ध्यान से देखिएगा। अमीर खुसरो का जन्म जो है पटियाली एटा में हुआ था, ये आपका सही है। मिर्जा गालिब कहाँ? आगरा, सही है। जोश महिलाबाद से संबंधित थे, मतलब इसमें अगर देखा जाए तो जो टूटी है वो थोड़ा सा, देखिए ये सही है और ये गलत है। जोश का महिलाबाद सही है, यहाँ पे ये आपका गलत है। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में 1897 में हुआ था, ठीक है। और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी थे। काकोरी कांड 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी दी गई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इनकी रचना थी, ठीक। चलिए यहाँ पर देखा जाए कि कौन सा गलत है, तो यहाँ पर कोई भी विकल्प ऐसा सही नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा निम्नलिखित युग्मक में कौन सुमेलित नहीं है, केवल डी सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगले। इसका विकल्प जो है वो यहाँ पर जो दिया गया कूट वो सही सेट नहीं है। अगला सवाल, चलिए। उत्तर प्रदेश की परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ऑनलाइन क्लास से नोट संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव देश हित राष्ट्रहित में चलती है, जी हाँ मेरे द्वारा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यह आज का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बेतवा नदी, इसका राइट आंसर होगा जी हाँ। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध झांसी कहां पर है? झांसी में है और बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर से लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड करके अन्य सभी क्लासेज आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी करना है तो आपको अपना बेस्ट देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा अपने 10 साथियों को। अगली क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है। बाय बाय।